तो गाइस ब्लो कर देता हूँ बंद, थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल धीमान फैमिली के एक नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं हम लोग जा रहे हैं आज हॉस्पिटल, क्योंकि आज है चांदनी की, मतलब कि डिलीवरी हो गई थी, आप सभी को बताया, और हमारी हुई है। क्यूट क्यूट सी बेटी, ये देखो सो रही है अभी। और आज हम लोग जा रहे हैं टांके खुलवाने के लिए, क्योंकि चांदनी को उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि मतलब टांके वगैरह खुलेंगे जो भी हम, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन हुआ था तो 10 दिन हो गए हैं पूरे, तो अभी टांके वगैरह ओपन होंगे और फिर जा रहे हैं हॉस्पिटल। और अभी हम तैयार हो गए हैं, निकलने वाले हैं, और आदि गया स्कूल। तो चलो मैं आपको चांदनी से भी मिलाता हूँ, चांदनी क्या कर रही है। लेट्स गो। सो गाइस, चांदनी भी रेडी हो गई है डिलीवरी के काफ़ी टाइम बाद, अब रेडी हुई है देखो। तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। तो ये देखो चांदनी का ये है आउटफिट, चांदनी पतली भी हो गई है। और ये है हमारी क्यूट क्यूट सी बेटी जो अभी निन्नी पा रही है, और हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल, फिर आपसे जाके मिलते हैं सीधा हॉस्पिटल में, क्योंकि आज चांदनी के टांके वगैरह खुलने हैं और कटने हैं, मतलब टूटने हैं, कटने हैं और खुलने हैं, जो भी आप मतलब होगा। और उसके बाद हम लोग फिर आएंगे घर। और आज 10 दिन हो गए ना हमें, आज 12 दिन हो गए, 12 दिन। हाँ, क्योंकि गुरुपुरब आ गई थी बीच में, छुट्टियाँ आ गई थी संडे शनिवार गुरुपुरब, तो इसलिए आप सभी को हैप्पी गुरुपुरब। और आज हम जाएंगे हॉस्पिटल, तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाके आपसे मिलते हैं। तुमने कुछ बोला है? सो गाइस, अब भी जा रहे हैं हॉस्पिटल और मैं भी रेडी हो गया हूँ, चांदनी भी पीछे रेडी है, आदि गया है स्कूल। और देखो हमारी छोटी सी बेटी, ये शोरी है, क्यूट क्यूट सी, इसको नींद आ गई है, क्योंकि हमने इसको दूध पिला के प्रॉपर वो कर दिया है, ताकि ये रात मतलब दिक्कत ना दे हमें रास्ते में। और ठंड भी हो गई है यहाँ पे, दवाई खा लेते हैं, तो इसलिए बाकी चांदनी दवाई खाने लगी है अभी। और घर में बहुत ज़्यादा खिलाना पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि डिलीवरी का टाइम है, घर में काम करने वाला मैं ही हूँ कल्ला, और लक्की है साथ में पर अंदर उधर का। तो अभी चलो आके समेटते हैं, चलते हैं। और चांदनी खा रही है दवाई अभी, आयरन कैल्शियम की गोलियाँ हैं, और साथ में पेन किलर्स दी हुई हैं ताकि दिक्कत दर्द ना हो। देखो चांदनी कितनी पतली होगी, और ये सारी छोटी 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 सी लड़की है जो सो रही है अभी, देखो। तो गाइस, हमारी लड़की हो गई तैयार, हमारी सना हो गई तैयार, हमने नाम रखा है सना घर के लिए, छोटा नाम, बाकी अभी बाकी सोचना है, बट प्यार से हम सना सना बुला रहे हैं। सो ये देखो हमारी क्यूट क्यूट सी लाडू तैयार हो गई है, ये देखो ये अभी सो रही है, नहीं पा रही है। तो गाइस जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल, और ये देखो घर से बाहर आ गए हैं, और हवा भी चल रही है, मौसम भी आज थोड़ा ठीक है। सो ये देखो हमारे एरिया का ठंड ठंड पड़ने लगी है, और चलो चलते हैं छोटी छोटी सी बेटी से ले, बेटी को लेके। आराम आराम से आना, पकड़ूँ मैं है, आराम आराम से उतना, आराम आराम से। ए बैग दे दो मुझे, बैग दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ इसको। हाँ, ये लक्की को बुला दे, बुलाऊँ लक्की को, लक्की को बुलाऊँ? नहीं, आराम से, आराम से। सो गाइस, फाइनली गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, और लक्की ने गाड़ी को धो भी दिया था, और हमारी सना सो रही है अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सना को हमने यहाँ लिटा दिया है, आराम से जाएगी सो सोते, और चांदनी आ रही है ऊपर से, चांदनी वो पहुँची है अभी। और गाइस देखो, इतनी हिम्मत है कि चांदनी ऊपर, हमारा टॉप फ्लोर में है, चांदनी वहाँ तक पहुँच गई थी। तो अभी लेके आते हैं चांदनी को, आऊँ मैं, आराम आराम से आ जाओ, पकड़ पकड़ के। सना डर रही है, चलो गाड़ी करती है स्टार्ट। सो गाइस, मैंने बारी खोल दी है, थोड़ा डिफिकल्ट है बैठना, नहीं बचेगा, आराम आराम से, तुम्हें पढ़ाऊँ मैं? अच्छा तुम बैठ जाओ पहले, पकड़ू मैं, ऐसे बैठ जाओ, बस 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 आराम से, उठाऊं पैर, उठाऊं बार करके, चल चल, वेरी गुड, बस बस, मैं बारी करता हूँ बंद, तुम बैठो यहाँ पे। तो सना को देते चांदनी को, ये लो, पकड़ो 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 पकड़ो, हाथ में पकड़ लेते हैं। सो गाइस, फाइनली
दोनों आ गए आगे माँ बेटी, और अभी हम निकलने लगे हैं गाड़ी में से अपनी। जय हो, बड़े दिन बाद गाड़ी को गाड़ी में से जाने लगे हैं, गाड़ी में जाने लगे हैं, गाड़ी में जाने लगे हैं। चलो चले, अब डायरेक्ट मिलते हैं आपसे जाके हॉस्पिटल में। बाय बाय। सो गाइस, घर से निकल गए थे और हमने पकड़ लिया अभी हाईवे। घर से निकलते हमारे साथ क्लोल होगी, क्योंकि घर के आगे लगा था वहाँ पे आज शादी का टेंट, फिर घुमा के गाड़ी लानी पड़ी और फिर चांदनी को भी दिक्कत हो रही थी काफ़ी। तो अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। देखो ये है खरड़ का फ्लाई, हम लोग खरड़ में रहते हैं और हम जा रहे हैं 6 फेज सिविल हॉस्पिटल। तो गाइस फाइनली पहुंच गए 6 फेज और ये साथ में ही है हॉस्पिटल। सो गाइस पहुंच गए हैं हम जच्चा बच्चा हॉस्पिटल। ये देखो सामने है जच्चा बच्चा और पार्किंग लगा दी हमने, और यहीं पे हमने लास्ट टाइम भी गाड़ी मेरी यहीं लगी हुई थी, है ना, उधर लगी थी थोड़ी साइड में, हाँ इस वाली जगह पे आगे लगाई थी मैंने साइड में। तो चलो चलते हैं छुटकी से लेके अंदर, और चांदी का आज है मतलब टांके खुलने हैं तोड़ने हैं, तो चलते हैं। चलो तो हम छोटे छोटे बेबी को लेके पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। तो ये रहा हॉस्पिटल, अंदर चलते हैं, अभी रश भी काफ़ी ज़्यादा आज। और ये रही पार्किंग, और ये आ रही चांदनी। चांदनी क्या बोलना चाहोगी? हाँ सही बात है। तो गाइस आज टांके टूट जाएंगे और फिर चांदनी और भी ठीक हो जाएगी। तो ये देखो ये है हॉस्पिटल, चलो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। रश बहुत है ना, अंदर है तेरा नंबर उस साइड। ये लेके जाना वहाँ पे, दिखाना सामने वाले में और बोलना मेरे ऐसे ऐसे टांके खुलाने के लिए आज बुलाया था, ठीक है, जाओ। सो गाइस आज हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश है ये देखो, क्योंकि और हमारी गूगली भी शोर ही है। सो गाइस हमारी लड़की यहीं पे हुई है, वो सामने ऊपर ओटी रूम यहाँ पे 115 नंबर में ऑपरेशन थिएटर है, और ऊपर क्या था फिर शिफ्ट उसके बाद। देखो तो यहीं की पैदा हुई है हमारी लड़की, सो रही है अभी, चांदनी अंदर है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? दर्द हुआ? तो गाइस फाइनली जाने आ गई है बाहर, और दर्द हुआ था है? चल कोई ना, बैग उठा लिया अपना, वहाँ पर बैग है, बैग पड़ा था वहाँ पर। सो गाइस बाहर अब जा रहे हैं घर, क्योंकि टांके हो गए ऊपर। चांदनी क्या बोलना चाहोगी? तो गाइस अभी गाड़ी में बैठने लगे चांदनी, और 5-10 मिनट लगे बस टांके खुलवाने में, और गाड़ी में बैठना बड़ा चैलेंज है। देखते हैं अभी आराम से ना ऊपर से पकड़ ले, वो हैंडल से है ऊपर ना पकड़ने के लिए, आराम से पहले बैठ, जैसे तुम घर में नहीं बैठती वैसे बैठो आराम आराम से। नारियल का तेल लगाना है और ध्यान रखना है, आराम से बैठ। हाथ पकड़ू मैं? सो गाइस फाइनली चांदनी कर रही हिम्मत पैर उठाने की, चल चल चल। बस चल चल आराम से पकड़ना बैग उधर रखना बैग, आंसू निकला है। सो गाइस बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत पेन, जिनके साथ हुआ होगा उनको तो पता ही होगा, टांके तोड़ते हैं फिर उसके बाद बैठना गाड़ी में बहुत मुश्किल है। ये लो पकड़ो चांदनी के आंसू के, देखो आंसू निकला है। चलो अभी चलते हैं घर, कुछ खाना, जूस जूस पीते ना, जूस पी लो थोड़ा सा ठीक, अच्छा लगेगा।
और ये इतनी शो ही जा रही है ये देखो। और गाइज इसी हॉस्पिटल में पैदा हुई है ये, 6 फेज का हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, यहीं पे पहले आदि भी पैदा हुआ था, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और ट्रीटमेंट भी यहीं से चल रहा था और हमने डिलीवरी भी यहीं से करवाई है और बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। और अभी टांके वगैरह भी बिल्कुल ठीक थे, अभी कटवा दिए हमने और हम जा रहे हैं अभी घर। सो गाइज आपने देखा हमने हॉस्पिटल आके टांके वगैरह खुलवा दिए हैं और चांदनी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है क्योंकि टांके बहुत, आप मतलब पेट काट के बच्चा निकालना बहुत मतलब बड़ा ऑपरेशन होता है, आपको पता ही है। तो उसके बाद वो सिलना फिर उसको निकालना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस यही था आज के ब्लॉग में और हम लोग अभी जा रहे हैं घर, आदि का भी स्कूल का टाइम हो गया है और काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, यानी कि आंसू निकलाए हैं गाड़ी में बैठने के और उठने के लिए क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तो अभी चलते हैं घर और फिर देखते हैं बाकी, दवाई दवाई लेनी है हमने, तो लेट्स गो। तो गाइस ब्लॉग कर देता हूँ बंद, थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया है। सो गाइस हमने दवाई भी ले ली है और चांदनी के टांके वगैरह खुल गए हैं, दवाई मेडिसिन लेके आ गया मैं अभी। तो अभी चलते हैं घर और बच्चा हमारा अभी तक सो ही रहा है, लड़की हमारी वो बिल्कुल नहीं हिली, मतलब हम दूध दूध पिला के लाए थे प्रॉपर, हमें सोचा टाइम लगेगा यहाँ पर आधा घंटा है ना, आधा घंटा मुश्किल से हम मतलब बाहर गए वहाँ पे जाता था आधा घंटे में हम लोग, मतलब हमारा काम हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं घर और टाइम भी हो गया आदि के स्कूल का, तो चलो चलते हैं फिर आपसे सीधा जाके डायरेक्ट मिलते हैं घर जाके, क्योंकि घर अब चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि चांदनी को पौड़ियों में चढ़ाना ऊपर, तो वो थोड़ा दिक्कत आएगी। और बस यही था आज के ब्लॉग में, यही टेंशन थी कि क्या करना क्या नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया कि बिल्कुल ठीक है टांके भी और टांके खुल गए हैं और उसमें बोला कि नारियल का तेल लगाओ, कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं लगानी है। और सर्दियों के दिन है, टांके पकने का डर भी नहीं रहता, गर्मियों में दिक्कत होती है, पसीना पड़ता है कुछ होता है, बट अभी ये है कि घर जाके चढ़ने की दिक्कत है, ऊपर चढ़ेंगे फिर उसके बाद फिर नहीं निकालना उतर के, जब तक ठीक हो जाए, हाँ जब तक ठीक नहीं होता तब तक। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बोला नॉर्मल, जैसे हम चलते हैं उठते हैं बैठते हैं जो डेली हमारी रूटीन है, और खाने पीने पे ध्यान रखने के लिए बोला है। तो चलो बोला खा लो, खा सकते कुछ भी, बस यही है, उसे बोला खा लो और ना लो, ना भी सकते ना, बस बांध के उसको ना, लपेट के ना। चलो ठीक है गाइस, घर जाके मिलते हैं आपसे, बाकी बातें घर जाके करेंगे, ठीक है। सो गाइस घर पहुंच गए हैं, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है और चांदनी को हो रहा है दर्द,